यज्ञ से लाभ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद अथवा छंद उस सर्वहुत यज्ञ से उत्पन्न हुए। परमात्मा का नाम ही सर्वहुत यज्ञ है, उस परमात्मा से संपूर्ण वेदों का प्रकटन हुआ। यहाँ जो उत्पत्ति का क्रम बताया है वह यह है, परमात्मा के तीन अंश अपनी निज स्वाभाविक स्थिति में ऊपर हैं। उसका एक भाग है जिससे विराट पुरुष हुआ, इस विराट पर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ, वह विराट पुरुष की देखभाल करता है। उसने भूमि उत्पन्न की और पश्चात उस पर से शरीर निर्माण की। जब पृथ्वी पर मानव उत्पन्न हुए उनमें जो ज्ञानी थे उन्होंने ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थों से ही यज्ञ करना प्रारंभ किया। इस यज्ञ से ऋतु से उत्पन्न पदार्थ ही यज्ञ के पदार्थ थे। साध्य और ऋषि जो थे वे प्रारंभ में ऋतुओं में से उत्पन्न हुए पदार्थों से ही सत्कार संगठन दान रूप यज्ञ हुआ। इस यज्ञ से दूध घी प्राप्त होने लगा। आरण्य और ग्राम में ऐसे पशु बने अर्थात लोग घर में गौ, घोड़े, बकरे, मेढ़े आदि पशु पालने लगे। ग्राम और नगर बसे और यज्ञ विधि भी उत्पन्न हुई। उस यज्ञ देव से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। इस तरह ज्ञान का प्रकटन हुआ। मानव जाति अच्छा उद्धार होने लगा। पूर्ण कार्यक्रम चारों वेदों द्वारा प्रकट हुए। ऋग्वेद ज्ञान वेद है, यजुर्वेद कर्म वेद है, सामवेद उपासना वेद है। इन मंत्रों के गान गाए जाते हैं और उनसे उपासना होती है। अथर्ववेद ब्रह्म ज्ञान का वेद है। इस तरह चारों वेदों से ज्ञान, कर्म, उपासना और ब्रह्म साक्षात्कार होता है और मानव की पूर्ण उन्नति होने का उत्तम कार्यक्रम प्रकट होता है। उस यज्ञ पुरुष से इस प्रकार यह मानव की उन्नति का पूर्ण कार्यक्रम प्रकाशित होता है। देव यज्ञ को करते थे, उस यज्ञ में पुरुषम पशुम परमात्मा रूपी सर्पद्रष्टा को ध्यान योग से बांधते हैं। वह दिव्य परमात्मा सब दिशा उपदिशाओं में पूर्णतया व्यापक है। वह सबसे प्राचीन है, जो बना है और जो बनने वाला है वह वही है। वह सबके बीच में व्यापक है। वह जैसा इस समय सर्वत्र उपस्थित है वैसा ही आगे भी रहेगा। वह मुख आदि अवयवों की शक्तियों को प्रत्येक पदार्थ में व्यापक रहता हुआ धारण करता है। जिसके पूर्व कुछ भी नहीं बना था परंतु जो सब कुछ बना है वह 16 कलाओं से युक्त परमात्मा सबका सच्चा स्वामी है। वह सबके साथ साथ रहता हुआ 3 तेजों को धारण करता है। जिसने द्युलोक प्रकाश में बनाया और पृथ्वी ऐसी सख्त शक्ति बनाई, जिसने तेज और आनंद प्रदान किया और जिसने आकाश में नाना लोकों को निर्माण किया, उस आनंद स्वरूप आत्मा की ही हम सब की पूजा करनी चाहिए। जो उसके स्थान पर किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए, जिसकी शक्ति से स्थिर रहे हुए परंतु जिसके डर से कांपने वाले अथवा चलने वाले द्युलोक और पृथ्वी लोक और इनमें रहने वाले ज्ञानी पुरुष मनन शक्ति द्वारा जिसको सर्वत्र देखते हैं और जिसमें सूर्य के समान तेजस्वी गोलों का उदय होकर प्रकाश होता है, उस मंगल स्वरूप परमात्मा की पूजा हम सबको करनी चाहिए। उसके स्थान पर किसी अन्य की उपासना करना उचित नहीं है। ज्ञानी मनुष्य उस परमात्मा को प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ नित्य सबका एक आश्रय, उत्पत्ति के समय सबका संयोग करने वाला और प्रलय में सबका वियोग करने वाला, सब बने हुए जगत को व्यापक कपड़े में ताने और बाने के समान सर्वत्र भरा हुआ जानता और अनुभव करता है। आत्मज्ञानी वक्ता उस ब्रह्म का स्वरूप वर्णन कर सकता है। उसका उत्तम स्थान हृदय में सुशोभित हुआ है। जो बुद्धि में रखे हुए इसके तीनों पदों को जानता है वह पालकों का भी पालक बनता है। हम सबका वह परमात्मा भाई, जनक और पोषक है। वह सब जगत का, सब स्थानों को जानता है। अमरपन का अनुभव करने वाले ज्ञानी लोग प्रकाश में आनंद के स्थान में अर्थात उस आनंद स्वरूप परमात्मा में स्वेच्छा से विचरते हैं। सब प्राणी मात्रों में
सब पंचभूतों तथा लोक लोकांतरों और सब दिशा उपदिशाओं में रहने वाले पदार्थों को यथावत जानकर तथा सत्य नियम के पहले प्रकाशक परमात्मा की उपासना करके ज्ञानी भक्त केवल आत्मस्वरूप से परमात्मा में प्रविष्ट होते हैं। जब ज्ञानी आकाश से पृथ्वी तक के सब पदार्थों को, सब सूर्य आदि गोलों और सब दिशाओं में रहने वाले सब पदार्थों को तथा आत्मशक्ति को जानता है और सब सत्य के विस्तृत सूत्र को अर्थात सूत्रात्मा का अनुभव करने लगता है, तब उस ब्रह्म को साक्षात करता है और वैसा बनता है जैसा कि पहले था। सबको प्राप्त करने योग्य अद्भुत और जीवात्मा के प्रिय मित्र जगदीश्व के पास हम सबकी प्रार्थना है कि वह हम सबको योग्य उपभोग के पदार्थ और उत्तम बुद्धि दे। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। हे ईश्वर, ज्ञानी और रक्षक जिस प्रकार की बुद्धि चाहते हैं उस प्रकार की बुद्धि से मुझे युक्त करो। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। सबसे श्रेष्ठ प्रजापालक, तेजस्वी ऐश्वर्यवान प्रेरक और सबका आधार ईश्वर मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान करें। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मेरा यह ज्ञान तेज क्षत्रिय ब्राह्मण ज्ञान सौर मिलकर उत्तम तेजस्विता की प्राप्ति करें। सब उत्तम विद्वान और सब उसका सद्गुण मुझ में तेज की स्थापना करें। उस तेज की प्राप्ति के लिए तुम आत्मसमर्पण करो। अग्नि आदित्य वायु चंद्रमा शुक्र ब्रह्म आपा प्रजापति आदि नामों से वही एक परमात्मा ज्ञात होता है। यह आशय पहले मंत्र का है। वेद में आने वाले अग्नि वायु आदि अनेक नामों से अलग अलग देवों का बोध लेना है अथवा अनेक नामों से एक ही प्रार्थना एक ही देवता का बोध लेना है। इस शंका का उत्तर इस प्रथम मंत्र ने दिया है जिसका प्रकार एक ही पुरुष को पिता भाई आदि गुण बोधक अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। तथापि इन अनेक शब्दों से उस एक ही व्यक्ति का बोध होता है। उसी प्रकार अग्नि वायु आदि अनेक गुण बोधक शब्दों से एक ही परमात्मा का बोध होता है। इसलिए भिन्न नामों के भ्रम से अनेक देवता वाद में फंसना किसी को भी उचित नहीं है। यही बात ऋग्वेद में कही है। अनेक प्रकार से बोलते हैं इंद्र मित्र वरुण अग्नि दिव्य सुवर्ण उरुत्मान सत यम मतरिश्वा आदि नामों से एक ही परमात्मा का वर्णन करते हैं। इस ऋग्वेद मंत्र का भाव उक्त यजुर्वेद मंत्र का आशय एक ही है। भिन्न देवता वाद को कल्पना वेद के अर्थ करने के समय मन में नहीं रखनी चाहिए। इसी हेतु से अथर्ववेद ने कहा है ईश्वर के एक तत्व का निश्चय न द्वितीयो न तृतीयश चतुर्थो नापमुच्यते न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नापुच्यते न अष्टमो न नवमो न दशमो नापुच्यते तमिदं निगतं सह एष एक एक ब्रदेक एव सर्वे अस्मिन् देवता एक व्रतो भवन्ति। वह द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दसवां आदि अनंत संख्या से न उच्चने कहा नहीं जाता। यह संपूर्ण जगत उससे निशेष गया है अर्थात उसी में है। वह सहन शक्ति से युक्त अर्थात अत्यंत बलवान है। एक वही है, केवल एक ही है, निश्चय से एक है। सब तेजस्वी पदार्थ इसमें केवल एक बनकर रहते हैं। इस प्रकार एक ईश्वर की कल्पना सब वेद के भागों में है। इस यजुर्वेद के मंत्र में अग्नि आदित्य वायु चंद्र प्रजापति शब्द पुल्लिंग हैं, आपह शब्द स्त्रीलिंग हैं, शुक्र और ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग हैं। ये तीनों लिंगों के शब्द एक ही परमात्मा के लिए आए हैं। यह बात विशेष मनन करने योग्य है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शब्दों के लिंग भेद से उद्दिष्ट का भेद नहीं होता। आदि शब्द तीनों लिंगों में रहते हुए एक ही परमात्मा के वाचक बने रहते हैं। जिस प्रकार लिंग भेद के कारण कोई उद्दिष्ट भेद नहीं होता उसी प्रकार वचन भेद के कारण भी कोई उद्दिष्ट भेद नहीं होता। प्रजापति ही एक एक वचनी शब्द है। अश्विनो शब्द द्विवचनी है, आपह शब्द बहुवचनी है, परंतु उक्त मंत्रों के आधार से ये तीनों वचनों के शब्द उसी एक अद्वितीय परमेश्वर के बोधक होते हैं। अर्थात मंत्रों में लिंग भेद और वचन भेद होने पर भी
उद्दिष्ट एक ही परमात्मा का बोध सब शब्द करते हैं। अब देखना है कि इस भिन्न नामों से क्या क्या भाव लेना है। अग्रणी नेता चलाने वाले तेजस्वी ज्ञानी परमेश्वर अददात सो सबका आदान प्रदान स्वीकार करता है, अर्थात जिसने सबको पकड़ रखा है। अथवा अदिति अर्थात अवद मुक्त स्वतंत्र अवस्था भाव आदित्य से जाना जाता है, जो नित्य मुक्त है।